Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friend, assalamu alaikum. Umeed hai ki aap sab theek thaak honge, fit fat honge, khairiyat se honge aur aapke birds bhi aapki tarah fit hi honge. Aate hain hum aaj topic ki taraf. Sardiyon mein hum apne cage mein pani ka bartan kaun sa rakhe? Ye maine pehle bhi video bana chuka hu. पर अब दोबारा एक और बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताना, मैंने ख़ुद दूसरा बर्तन रखा था तो जिसका नतीजा आप देख सकते हैं. मैं एक में आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं. ये सर्दियों के दिन है, सुबह का टाइम है, तो मैंने पानी जिस तरह ताज़ा पानी डाला था तो इन्होंने नहा लिया. ये सिर्फ एक बर्स नहीं नहाया, इसमें आप देख सकते हो ऊपर जो है वो भी, स्पेयर ने भी नहा लिया, स्पेयर ने भी नहा लिया. तो मैं आपको पहले बर्तन शो करता हूँ. ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कटोरी रखी है पानी की, तो ये कटोरी है. ये इंशाल्लाह मैं भी थोड़ी देर बाद इनके लिए छोटी कटोरी लेकर आऊँगा, वो रख दूँगा. क्योंकि जिस तरह मैंने ये ज़ेब्रा फिंच किस में रखी थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़ेब्रा फिंच. इसको मैंने बोतल को थोड़ा सा हीट करवाया और ये आप देख सकते हैं. आपने किसी तरह कटोरी रखनी है सर्दियों में क्योंकि उनकी फितरत होती है नहाने की. तो बस आज यही है कि जब भी आप सर्दियों के मौसम में पानी की कटोरी, खैर हफ्ते में एक दफ़ा, या आपको लगे धूप है तो तब थोड़ी बड़ी कटोरी रख दें, जो जिसने नहाना नहा ले, पर आप छोटी कटोरी रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि ये भी गीले हैं, इनके बच्चे भी निकले हुए, बेबी भी निकले हुए हैं, या इन्होंने एग भी दिए हुए हैं, तो ये इसी हालत में बैठ जाएंगे. तो फिर आपको पता है कि आपके ये जो जितने भी बर्ड्स के एग है वो ख़राब हो जाएंगे, चाहे बच्चे हो तो उनको भी ठंड लग जाएगी. तो आप देख सकते, खुद भी सुखड़े हुए बैठे हुए हैं, पर अगर ये लोग नहाते रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा. तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि सर्दियों के मौसम में इनकी कटोरियाँ छोटा रखा करें. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.